अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चावल के और आलू के कुरकुरे। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू और चावल बनने के लिए, चलिए रेसिपी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं और 1 कप चावल है जिसको मुझे 1 घंटा भिगोना है। तो हमारे जो ये चावल है पूरा 1 घंटा रेस्ट लेंगे पानी के अंदर। तो यहाँ मैंने पानी के अंदर 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया है और ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आप इस हाथ से दबा कर तोड़ के देखेंगे तो एक में से 3-4 टुकड़े हो जाए तो आप समझ लेना ये बहुत सॉफ्ट हो गए। और ये मेरे कच्चे हमारे जो ये हैं वाइट वाले चावल, कच्चे जिसको कच्चे चावल बोल देते हैं वो हैं। और जो आलू थे वो मैंने बॉईल कर लिए और ये मेरे बॉईल आलू हैं। और जो हमने आलू 3 लिए थे तीनों बॉईल आलू कर लिए। अभी ना हम कद्दूकस भी कर सकते हैं और एक इस फोक की मदद से भी इसको दबा दबा कर इसका बारीक से एक पेस्ट बना लेते हैं। तो मैं इसे अभी ज़्यादा गर्म हो रहा है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो एक बॉक्स की मदद से मैं इसका चूरा बना लूँगी। आप जिससे आपको बेटर लगे आप उससे कर लें। तो हम आगे की तैयारी के लिए मैंने सामान ले लिया है। ये मैंने प्याज चॉप करी है, हरी मिर्चें और हरा धनिया तो मैंने मशीन से चॉप कर रखा है। और यहाँ मैंने साबुत मिर्चें हैं जो मैंने इसको भी चॉप करके काटा है। और ये मेरे बारीक कटे हुए बिल्कुल चॉप करे हुए ही मेरे टमाटर हैं, इन सबको मैंने चॉप कर रखा है। और इसको अच्छे से फोक से तीनों आलूओं को हमें इस तरह ही करना है। इससे बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं, बहुत ही बारीक। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और फोक की मदद से भी ईजीली कर सकते हैं। तो ये हम तीनों आलूओं का इस तरह पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों को पहले इस तरह ही, मेरा पूरा ये जो आलू थे हमारे यहाँ रेडी हो चुके हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे फाइनली तैयार हैं। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल और मिक्सर जार रख लिया, जो मेरे बॉईल हुए हुए चावल थे हमारे, तो यहाँ पर ये मिक्सर जार में डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। और ये पेस्ट हमें कितना गाढ़ा चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ना ज़्यादा ये पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए। तो हम इस तरह पेस्ट बनाएंगे। अगर आपको लगे थोड़ा, अगर एक चावल डालेंगे आप एक मिक्सर जार में तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप उस पर पानी ऐड कर दें तो ये इतना अच्छा पेस्ट बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो जो हमारे आलू थे वो भी रेडी थे और अब इसको हमने बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छा सा एक वो बना लिया हमने, इसका जो बोलते हैं ना डो बना लेते हैं, तो हमने इसका डोसा एक तैयार कर लिया है। तो ये मेरा डो तैयार हो गया। इसका जंदर में इतने चावल मैंने मिक्सर जार में पीसे थे वो सब इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। इसी में जाएगा मेरा सारा टोटल सामान। तो उसके लिए मैं क्या क्या सामान रही हूँ एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने चॉप कर रखे सारा सामान आपको दिखाया था अभी, वो सब इसमें डालूंगी। जो प्याज थी मैंने एक बड़ी प्याज ली थी वो भी इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्च, हरा धनिया ये भी सब इसमें जाएगा। तो मैं हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, हरा धनिया भी डाल रही हूँ और इसी में जो मैंने टमाटर डाले थे वो सब इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि मैं चॉप करी हुई इसके अंदर मिर्ची डाल रही हूँ। ये टमाटर है मेरे चॉप करे हुए, ये भी इसमें डाल दूंगी। और जो मैंने लाल मिर्च चॉप करी थी वो भी इसमें डाल रही हूँ। 1 स्पून भरकर है मेरी मिर्चें तो मैंने 1 स्पून डाला है। लहसुन यहाँ पर मैंने इसके अंदर, अदरक मैंने स्किप कर दी है और यहाँ डाल रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा। तो यहाँ मैंने भुना हुआ ज़ीरा ले लिया हाफ कर। ये चाट मसाला है मेरा 1 स्पून और भुना हुआ ज़ीरा था 1/2 स्पून। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मैं डाल रही हूँ, काला नमक 1/2 स्पून। अगर आप वाइट नमक डालें वाइट वाला तो उसका आधा अपना वो डाल सकते हैं, अपना 1/2 स्पून। तो यहाँ मेरा इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके अंदर खटाई डाल रही हूँ। खटाई जो है आप 1/2 स्पून ले और नमक अपना स्वाद अनुसार डालें क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें ब्लैक नमक डाल चुकी हूँ और इसमें मैंने खटाई ज़रूर डालें। अब खटाई मैंने डाली है और इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा भी है। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और बना लेते हैं इसके अच्छा सा एक, इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना, एक गाढ़ा सा हमें जिसको बोलते हैं ना डो मेरा तैयार हुआ था तो ये गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाएगा, बहुत ही गाढ़ा। तो यहाँ पर हमारा वो रेडी हो रहा है। तो जब तक इसे रेडी करते हैं तो एक पोलोथीन लेनी है आपको, जैसे किसी भी चीज़ की खाली हुई घर में पड़ी रहती है, घर में बच्चों की कोई भी सामान होता है, कोई चीज़ वगैरह खाते हैं या फिर दूध की थैली है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक सामान की एक पोलोथीन है, मैं उसको साफ़ करके उसके अंदर अपना, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारी रह गई जो हम इसके अंदर डालना है, ये हमारा बेकिंग, ये हमारा बेकिंग पाउडर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर का मीठा सोडा भी डाल सकती हैं। तो मेरे पास तो ये पहले से रखा है ऑलरेडी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको दूसरा चीज़ दिखा दूँ। यह मेरा नॉर्मल सोडा है जो घर का मीठा सोडा होता है, तो आप इसको भी डाल सकती हैं, ये भी इसके अंदर ऐड कर दें। तो थोड़ा सा ऐड कर दें, यह मेरा थोड़ा चला गया लेकिन मैं थोड़ा सा और ले दूँ, इसको कहते हैं ना 1-2 चुटकी।
तो एक से दो चुटकी आप इसके अंदर ऐड कर दें तो इससे बहुत ही करारे और बहुत ही खस्ता बहुत ही बढ़िया बनेंगे, जिसको बोलते हैं ना स्पंजी, वो बन जाएंगे। इसके चुटकी की नाम है, दो चुटकी करीब आप इसमें डाल दें। आप इसे नहीं डाल सकती तो आप इसको स्किप कर दें और मीठा सोडा डाल दें आप इसके अंदर। और मेरे पास ऑलरेडी दोनों ही सोडे हैं तो मैं इसमें से अपना नॉर्मल सोडा डाल रही हूँ, मीठा सोडा। तो हमारा ये डो रेडी हो चुका है। अब इसके लिए हम एक पॉलीथीन की, जो मैं आपको बता रही थी, जो घर में पड़ी हो साफ पॉलीथीन, आप वो ले लें और उसका एक कोना काट लें, कोने की तरफ से उसे लगाकर एक एक गिलास ले लें, जिसमें इसको अंदर अंदर डालकर एक गिलास में आप स्पून से इसे भर लें, जैसे मेहंदी होती है ना कोन बनाने वाली, इस तरह से भर लें। तो मैंने इसको ऐसे कोने में रख के एक गिलास में इसे बिछा लिया। अब इसके अंदर अपना ये डाल दूँगी, इसका जितना पेस्ट है मेरा आलू का और चावल का। और इस तरह हमें कोना काटना है, जितना मोटा और पतला होता है ना, इस तरह से एक कोना ले लें जो कि, और इसे अच्छे से फोल्ड कर लें या किसी रबड़ से इसे ऊपर से बांध लें और हम इसका कोना काटेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मोटा और कितना पतला काटेंगे। तो मैं पहले पतला सा काटूँगी और फिर डालकर देखती हूँ कढ़ाई के अंदर कितना बारीक और कितना अच्छा बनेगा। तो मैंने कैंची से इसका हल्का सा कोना काट दिया है और अब इसके अंदर डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ा बारीक है, इसके अंदर चेक कर लेते हैं कढ़ाई में किस तरह के हमारे कुरकुरे बनेंगे चावल के और आलू के। ये बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इसे, बड़ों को भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके अंदर सामान जोर पड़ा हुआ है ना, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार है। तो हमारा ऑयल भी यहाँ गर्म हो चुका है तो हम यह डालें। तो देखिए माशाल्लाह इस तरह डालें, ये खुद से खुद ही टूटने लगेंगे। और आपको लगे टूट नहीं रहे तो आप थोड़ा हिला के इसे आगे पीछे करेंगे तो खुद टूटने लगेंगे। देखिए आप इसे लंबे कोई सी भी शेप डाल सकती हैं, जलेबी की शेप दे सकती हैं, गोल सर्कल बना सकती हैं। तो मैंने इस तरह लंबे लंबे छोटे छोटे एक एक इंच की बराबर डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका जितनी कढ़ाई में आप इतना डाल दें और हल्का हल्का धीरे धीरे हाथ से चलाएँ। अगर ज़्यादा आपने कच्चा इसको पलटने की कोशिश करी तो ये चूरा बन जाएंगे। तो आप इसको हाई फ्लेम पे कर और इसे पलटें। ये मेरा देखिए, मैंने एक बारी में मेरा खाली हो गया तो मैंने इसे दोबारा फिर से इसके अंदर जितना पेस्ट है सब ले लूँगी और इसके अंदर फिर से डालूँगी। अब मैं डालूँगी जलेबी टाइप में और मैं गोल सर्कल बनाऊँगी, थोड़ा एक दो डिज़ाइन दूसरा बनाती हूँ अपनी तरफ से। हम कोई भी डिज़ाइन इसमें दे सकते हैं। तो मैंने पन्नी का मुँह थोड़ा सा और नीचे से कोना जो होता है ना पन्नी का, थोड़ा कोना खोल दिया है और फिर से इसके अंदर नई कोई एक शेप डालूँगी जो थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगे और देखने में भी बहुत टेस्टी लगे। तो हम खाने में भी और देखने में भी मज़ा तो आना चाहिए ना। तो एक तो हमने स्टेप डाला था कि अपना एक स्टेप मारा था हमने कि एक इंच की बराबर के डाले थे। अब दूसरा जो स्टेप होगा तो जलेबी और सर्कल टाइप की तरफ से ये मेरा तैयार हो जाएगा तो मैं दूसरा अपना डालूंगी। तो मेरा डोता जो रेडी हो गया पॉलीथीन के अंदर, फर्श इसकी ब्राउन होने की देर है, इसके अंदर कलर आना चालू हो गया है। अब ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए मेरे ये जितने थे रेडी हो गए। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप कुरकुरे भी कह सकते हैं और आलू का और चावल का भी इसे कुछ भी कह सकते हैं इसे। अब हम इसे सुखा भी सकते हैं, छत पे सुखाने के बाद हम बाद में भी तल सकते हैं, रोज़ों में बहुत काम में आता है और बच्चों को टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं। तो इसीलिए आप इसे छत पे भी सुखा सकती हैं एक पन्नी पे रखकर, और इसका जो डो बनाया था मैंने इस तरह ही जलेबी इसी तोड़ दें और छत पे सुखा दें तो हम बाद में भी इसे तल तल के खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तो हैंड टू हैंड बनाया था और हैंड टू हैंड इसको ऑयल में डालकर अपना तैयार कर लिया। अब डालते हैं जलेबी टाइप में बना कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जलेबी टाइप बनाई है, बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, जलेबी टाइप में अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर मैंने ऐसी तीन जलेबियाँ तोड़ दी हैं, मीठी जलेबी नहीं है लेकिन नमकीन जलेबियाँ हैं। तो आगे मैं छोटे छोटे सर्कल भी तैयार करूँगी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और देखिए क्या कहते हैं, जब आपको लगे आपको खाना है तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में बना के रख दें और जब दिल करे अपने ऑयल गरम करके इसमें डाल के आप अपना फिर से तैयार कर लें। आप ज़रूरी नहीं सारे एक साथ बनाएं, आप बनाकर अब बनावा जब घर में रखा रहता है तो कभी भी बच्चा मांगता है तो बना के देते हैं। हमारे ये भी रेडी हो गए हैं जलेबियाँ भी, तो इन्हें निकाल लेते हैं और कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग तैयार। तो यहाँ मैं ले रही हूँ केचप और अपनी मीठी वाली क्रीम, जिसको बोलते हैं ना टॉप्स क्रीम, क्या कहते हैं बच्चों की सैंडविच वगैरह पर लगाते हैं। तो यहाँ मैंने एक तरफ कर लिया सैंडविच क्रीम अपनी टमाटो केचप और एक है मेरी सैंडविच क्रीम या बर्गर क्रीम, जिसको जो भी बोलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।